श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने एक बार फिर से पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ये पिछले चार दिनों के भीतर दूसरी बार हो रहा है जब पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली का कोई रिकॉर्ड तोड़ा हो। आपको बता दें कि बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में 30 रन पूरे करते ही अपने 3000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। इस मैच में 30वां रन लेते ही उन्होंने विराट कोहली को टेस्ट में 3000 रनों के मामले में पीछे कर दिया है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर के 3000 रन 42वें मैच में पूरे किए थे। वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने विराट कोहली से एक मैच कम लेते हुए यानी कि 41वें मैच में अपने 3000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली जिस तरह से खराब दौर में गुजर रहे हैं, बाबर आजम को उसका अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। बाबर आजम लगातार विराट कोहली के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। इससे पहले तक बाबर आजम ने विराट कोहली का सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया था। बता दें कि बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में जबरदस्त शतकीय पारी खेली थी जिसमें बल्लेबाज ने 119 रन बनाते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम को सस्ते में ऑल आउट होने से बचाया था। वहीं उसी शतक की वजह से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। मुकाबले की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 342 रनों का लक्ष्य मिला है। अगर पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो फिर वो सीरीज में 1-0 से आगे हो जाएगी। चाय तक की बात करें तो पाकिस्तान 150 रन बना चुकी थी और मात्र 2 ही विकेट टीम ने गवाए थे। लेकिन वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में काफी मजबूत नजर आई जहां टीम ने 337 रन बनाए। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए ये नहीं लग रहा कि श्रीलंका के गेंदबाजों को दूसरी पारी में इतनी आसानी से विकेट मिल सकती है। वहीं बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने दूसरी पारी में भी पाकिस्तान की टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ने शुरू कर दिए हैं। बाबर आजम इस पारी में भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और लगातार रनों का अंबार लगा रहे हैं। पिछले कई समय से बाबर आजम के बल्ले से ढेरों रन निकले हैं, फिर चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई या फिर T20I, बाबर आजम ने तीनों ही प्रारूपों में अपनी टीम के लिए भर भर के रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली की बात कर लें तो कोहली इन दिनों शतक या अर्धशतक तो दूर की बात, बल्लेबाज 20 से ज्यादा रन भी नहीं बना पा रहे हैं। इंग्लैंड के विरुद्ध खेली गई टेस्ट, T20 और वनडे सीरीज में विराट कोहली मात्र एक बार ही 20 का आंकड़ा छू पाए। इसके अलावा विराट कोहली के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने वनडे में पिछली 5 पारियों में एक बार भी 20 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं पार किया। विराट कोहली इस समय अपने करियर के सबसे खराब दौर पर हैं, तो वहीं बाबर आजम इस वक्त अपने करियर के शीर्ष पर हैं, जहां वो लगातार विराट कोहली के आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।